नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर की टीम आपका स्वागत करती है हमारे चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो एसएससी जेई 2014 मॉर्निंग सेशन में आए थे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, मैनोमीटर इज द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी या डिस्चार्ज। वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं फिटेड ट्यूब, फ्लोट्स, करेंट मीटर, ये सब। डेंसिटी मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर होता है इंस्ट्रूमेंट जो ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए काम आता है, और हाइड्रोमीटर यूज होता है डेंसिटी मेजर करने के लिए। डिस्चार्ज मेजर करने के लिए हम वेंचर मीटर और ऑरिफिशियल नॉच यूज करते हैं। और आखिरी में बचता है प्रेशर। ये हमारे चार ऑप्शन में से सही है प्रेशर, क्योंकि मैनोमीटर हम यूज करते हैं प्रेशर नापने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर था प्रेशर। कैपिलैरिटी इज ड्यू टू, तो कैपिलैरिटी होता है, कैपिलैरिटी इज अ फिनोमेनन बाय विच ए लिक्विड राइजेस इनटू ए थिन ग्लास ट्यूब अबव और बिलो इट्स जनरल लेवल। कैपिलैरिटी के दो फिनोमेनन हो सकते हैं, किस वजह से कैपिलैरिटी हो सकता है। एक है सरफेस टेंशन और एक है हमारा कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कोहेजन एंड एडिशन। मोस्ट प्रोमिनेंटली सरफेस टेंशन एसएससी आंसर मानता है, इसलिए हम लगाएंगे सरफेस टेंशन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए पैसेज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। एटमॉस्फेरिक के अंडर कोई फ्लो चल रहा है उसे हम कहेंगे ओपन चैनल फ्लो। फॉर एग्जाम्पल कैनाल्स एंड रिवर्स इसके एग्जाम्पल हैं जो अंडर एटमोस्फेरिक प्रेशर में चलते हैं। पाइप फ्लो में कोई एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं होता। और यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओपन चैनल फ्लो। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्चार्ज थ्रू वी नॉट वेरीज। वी नॉट के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए जो है Q is equals to 8/15 CD under root 2G into tan theta by 2 into H power 5/2। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि directly proportional to tan theta by 2 है और directly proportional to H की power 5/2 है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देख के पता चल रहा है कि हमारा सही आंसर है ये। अगर यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ लिखा होता तो ये दोनों आंसर होते, पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए ये ऑप्शन करता है। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो अगर हम यूनिट निकालेंगे तो पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है वी पावर माइनस वन। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज कॉन्स्टेंट्स डज नॉट हैव एनी यूनिट। ये हमें याद कर लेना चाहिए, इसका सही आंसर है मैनिंग्स। एम आना चाहिए था यहाँ, एम से डिनोट करते हैं मैनिंग्स कांस्टेंट को। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईच टर्म ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एनर्जी पर यूनिट वेट, एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या स्पेसिफिक एनर्जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एनर्जी पर यूनिट मास। कुछ ऐसी बुक्स हैं जो एनर्जी पर यूनिट वेट भी कहते हैं, पर वेट में का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, प्लेस टू प्लेस वो चेंज होती है, इसलिए ये तो गलत होगा ऑप्शन, इसलिए इसका सही आंसर है एनर्जी पर यूनिट मास। प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर्स ऑफ ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 आना चाहिए था यहाँ, 0.9 इक्विवेलेंट टू 4.5 ऑफ वाटर इज। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें एक बेसिक मैनर पता होना चाहिए कि दोनों प्रेशर ऑफ ऑयल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर करके हमें उसकी हाइट पता कर लेनी चाहिए।
इसकी हमने यहाँ किया है। प्रेशर ऑफ ऑयल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर, वेट ऑफ ऑयल इनटू हाइट ऑफ ऑयल इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर इनटू हाइट ऑफ वाटर। ये होता है रो, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट जो हमें निकालनी है, और 9810 स्पेसिफिक वेट होता है वाटर का, इनटू 4.5 हमें हाइट दी हुई वाटर की। तो इसको चेंज करेंगे जब हम, तो उसे स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दी हुई थी 0.9, और एच उसके थ्रू हमने निकाल लिया। एच की वैल्यू हमारी आ रही है 5 मीटर, तो इस ऑप्शन का आंसर है 5। टाइपिकली ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट विच हैव फॉलोइंग इलेक्ट्रिक मशीन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में एनर्जी प्रोड्यूस करने की या बिजली पैदा करने की मशीन होती है, जैसे कहते हैं हम हाइड्रोलिक टर्बाइन, जो हाइड्रोलिक पावर से चलती है, इसलिए हाइड्रोलिक टर्बाइन सही आंसर है हमारी इस क्वेश्चन का। डार्सी वेयरबैक इक्वेशन टू कैलकुलेट द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन फॉर फ्लो थ्रू पाइप्स इज एप्लीकेबल व्हेन द फ्लो थ्रू द पाइप कैन बी बोथ लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। बहुत सिंपल था,